केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव के सिलवासा की सांबर वर्णी ग्राम पंचायत, लगभग 80% आबादी आदिवासी समुदाय की। इस गांव से बहने वाली एक नहर जो संपत्ति है गुजरात की, इस नहर पर एक पुल बनाने की पिछले 20 वर्षों से मांग। यही पुल आदिवासी समुदाय के जीवन को बनाएगा आसान, उन्हें जोड़ेगा विकास की मुख्य धारा से। मगर क्या वजह रही कि पुल का निर्माण लटका रहा 20 सालों तक, और फिर कैसे सांबर वर्णी की महिला सरपंच ने बड़े बड़े इंजीनियरों को सुझा दिया वो रास्ता कि पुल बनाने की राह हो गई आसान। कौन है ये सरपंच महिला और उन्होंने अपनी किस युक्ति से दिला दी फाइलों पर लगी आपत्तियों से मुक्ति, देखेंगे लोकतंत्र मेरी ताकत दादरा नगर हवेली से। नमस्कार, सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। लोकतंत्र मेरी ताकत, ये सनसेट टीवी की वो पहल है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे भारत के विशाल लोकतंत्र ने यहाँ की ग्राम पंचायतों को ताकत दी है और कैसे ग्राम पंचायतों का नेतृत्व कर रही महिलाएं अपनी सूझबूझ और विवेक से गांव को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। इस सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं दादरा नगर हवेली के सांबर वर्णी ग्राम पंचायत में। यहाँ की महिला सरपंच कृतिका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक हैं और हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे कृतिका ने अपनी सूझबूझ से और अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा उठाकर गांव को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। आइए चलते हैं। दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव देश का तेजी से विकसित हो रहा केंद्र शासित प्रदेश है। सनसेट टीवी की टीम लोकतंत्र मेरी ताकत के इस एपिसोड के लिए आज पहुंची है दादरा के सिलवासा में सांबर वर्णी ग्राम पंचायत में। इस ग्राम पंचायत की सरपंच कृतिका बारात हैं। देश में पंचायतें पिछले कुछ वर्षों में कितनी तेजी से, कितनी मुस्तैदी से, कितनी निर्भीक होकर और कितनी दूरदृष्टि के साथ फैसले ले रही हैं, काम कर रही हैं, इसका एक उदाहरण है दादरा नगर हवेली की सांबर वर्णी ग्राम पंचायत। देश में लगभग 6.5 लाख गांव हैं, 3.25 लाख ग्राम पंचायतें हैं और 1.25 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को महिलाएं अपना कुशल नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। इन महिला सरपंचों में भी जिन्होंने ऊंची और कौशल आधारित पढ़ाई या ट्रेनिंग ले रखी है, वो अपने गांवों को तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा रही हैं। दादरा नगर हवेली की सांबर वर्णी ग्राम पंचायत की सरपंच कृतिका की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गांव की आबादी को विभाजित कर रही एक नहर पर पिछले 20 वर्षों से पुल बनाने की मांग चल रही थी। सैद्धांतिक रूप से इस पर सरकारी सहमति भी बन चुकी थी, फाइलें खुल चुकी थी, मगर पुल का निर्माण रुका पड़ा था। वजह थी इस पुल के निर्माण में टेक्निकल फॉल्ट्स। ऊपर हाई टेंशन वायर था और नीचे नहर में बरसात के दिनों में पानी का तेज बहाव, काम अटका पड़ा था। लेकिन कृतिका बारात जब इस पंचायत की सरपंच बनी तो उन्होंने सबसे पहले इस ब्रिज का दौरा किया, पुल से संबंधित हर तकनीकी पहलुओं की जांच की, महीनों तक इस पुल के डिजाइन और नक्शे पर इंजीनियरों के साथ खुद ही सर खपाती रही, फिर ऐसा डिजाइन तैयार किया कि सारी समस्याएं दूर हो गईं। इसमें ग्राम पंचायत की भूमिका अहम रही। कैसे हुआ ये सब, सुनिए सरपंच की ही जुबानी। हमारे यहाँ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ट्राइबल बच्चे हैं, तो उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। हमारे यहाँ पीछे गांव में ओजरपाड़ा में उनको वहाँ पे छोटा सा वाटर स्ट्रीम आ रहा था, जो बारिश के समय पे हमारे यहाँ काफ़ी बारिश होती है तो 5-1 महीने के लिए वहाँ पे बहुत पानी होता है, तो बच्चों को तभी बहुत तकलीफ होती है वहाँ से आने जाने के लिए। तो हमने एक ब्रिज का प्रपोजल रखा हुआ था। हमने हमारे कलेक्टर सर से बात की, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर, सर प्रफुल्ल पटेल सर से हमने बात की और हमें उन्होंने 20 साल पुराने ब्रिज की जो हमारी मांग थी आज उन्होंने हमें पूर्ण करके दी है। हमारे यहाँ ब्रिज का काम चल रहा है और हम 2 महीने में शायद हमारा ब्रिज रेडी हो जाएगा सर। हमारे देश में पंचायतों को कितनी ताकत मिली है, इसका एक उदाहरण है सरपंच कृतिका बारात। जब हमने सरपंच से इस पुल के बनने में पंचायत की भूमिका पूछी
तो उन्होंने गर्व के साथ उसकी पूरी कहानी बता डाली। ये हमारे मेंबर्स सारे मोस्टली ट्राइबल्स ही है, तो उन्होंने ट्राइबल की लेडीज लोगों की जो खेती वगैरह में जाते और बच्चों की मांग थी, काफ़ी 20 सालों से मांग थी कि यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए, पर ये टेक्निकल इश्यू था वहाँ पे कि टेक्निकली वो ब्रिज वहाँ पे नहीं बैठ रहा था, कि उसका डिज़ाइन का अप्रूवल नहीं मिल रहा था। तो फिर पहले तो हमने सबसे पहले सब मेंबर्स और सरपंच ने मिलके हमने हमारे इंजीनियर्स टीम को बुलाया, हमने उनसे बात की कि हमें ये कैसे हम कर पाएंगे, यहाँ पे अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा। तो हमने टेक्निकली जानकारी ली पहले तो कि ब्रिज का अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि ये ब्रिज के अप्रूवल के लिए टेक्निकल तरीके से अगर सॉर्ट किया जाए तो ये ब्रिज वहाँ पे बन सकता है। तो हमने उसके ऊपर फिर हमने फाइल प्रिपेयर की, फाइल प्रिपेयर करने के बाद हमने पहले तो PWD विभाग में फाइल रखी, तो उन्होंने कहा कि हम टेक्निकली तो आपको सॉर्ट आउट कर देंगे, पर आपको आगे कलेक्ट्रेट में और हमारे प्रशासन श्री के पास, हमारे CO सर के पास भी जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से हम हमारे CO सर के पास गए, उन्होंने फाइल को आगे मूव किया, हमारी गंभीरता जानने के बाद आगे हमने कलेक्टर सर से भी बात की कि हमें ये बहुत ही गंभीर मामला है कि बच्चों के लिए और वहाँ पे जो लेडीज़ खेती बाड़ी करती है उनके लिए भी, तो उन्होंने भी वो बात गंभीर पूर्णता ली और आगे हमने प्रशासन श्री सर से बात की और हमें ये चीज़ का अप्रूवल मिल गया सर। सरपंच कृतिका बारात जिस धड़ल्ले से इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाली तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग कर रही थी, उसने हमें भी अचंभित कर रखा था। आखिर गांव में रहने वाली एक सरपंच इतनी बेधड़क कैसे गणित और भौतिकी के शब्दों को जुबान पर ला रही हैं, ये हमारे लिए कौतूहल का विषय बन गया था। सो हमने पूछ ही लिया कि सरपंच जी, अभी आपने बहुत से टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया जो आमतौर पर इंजीनियर्स करते हैं, आप कैसे कर पाती हैं? तो सुनिए उनका जवाब। बेसिकली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात वापी, वहाँ से बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। फिर हमारी शादी यहाँ पे हम पढ़ने के लिए आए थे, मैंने 10th तक वहाँ पे हमने स्टडी, 12th तक हमने वापी में स्टडी की है और उसके बाद हमें इंजीनियरिंग में परस्यू करना था, बट हम ट्राइबल एरिया के हैं, ट्राइबल लोग हैं, तो हमें पहले इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था। फिर हमने जाना कि हमारे यहाँ सिलवास में ही एक डॉक्टर BBA पॉलीटेक्निक करके इंजीनियरिंग की कॉलेज है, तो हमने यहाँ गुजरात से आके यहाँ एडमिशन लिया। फिर हम ट्रैवल करते थे यहाँ पे, ये हमारा एक्चुअली गांव ही है, ये भी हमारे गांव का इलाका है, तो हमें पेरेंट्स ने वहाँ से यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और हमने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फिर यहाँ से कम्प्लीट की। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में हमारी शादी हो चुकी थी, फिर यहाँ से हमने आगे की स्टडी कम्प्लीट की। तो देखा आपने कि जब इंजीनियरिंग और सरपंची का मिश्रण होता है तो विकास के लिए ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन होता है। देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है आधारभूत संरचनाओं का तेज गति से विकास, और ये विकास सिर्फ बड़े शहरों और महानगरों तक सीमित रहे तो उसका फायदा नहीं मिल पाता। जब विकास के ये काम छोटे शहरों, यहाँ तक कि गाँव कस्बों में भी पहुँचते हैं, तब असली में इसका फायदा होता है। देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के पीछे का मकसद भी यही है कि गांव और कस्बों तक विकास की धार बहे, इसका निर्णय भी स्थानीय स्तर पर ही हो। ऐसे में अगर सरपंच खुद ही कोई प्रोफेशनल डिग्री धारक हो तो काम और आसान हो जाता है। एक इंजीनियर अगर सरपंच बनता है तो समझिए कि क्या होते हैं इसके फायदे। टेक्निकल नॉलेज बहुत सारी यहाँ पे काम आती है, हमारी फील्ड की नॉलेज काम आती है, सारी जब चीज़ें हम फाइल प्रिपेयर करते हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, कि थोड़ा एजुकेटेड होंगे या कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं, फाइल को अच्छे से रख पाते हैं, फाइल को अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। अगर अच्छी फाइल प्रिपेयर होगी तभी अच्छी फाइल पास होगी, तो ये सब चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है। और बेसिकली हमारे यहाँ हमारी फैमिली पहले से ही सोशल वर्क में सर्व कर चुकी है, तो हमारे फैमिली में से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं भी एक अच्छा सोशल वर्क करूं, सर्व करूं, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आज मैं यहाँ की सरपंच हूँ। जैसे कि मैंने आपसे ये सारी बातें करी, ये बातें बोलने के लिए नहीं है, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हमारे फील्ड में जाके दिखाना चाहती हूँ कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और पंचायत के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं और कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। आप चलिए हमारे साथ हमारे गाँव का दौरा कीजिए। सरपंच ने ये बातें सिर्फ कही ही नहीं, वो अपने काम को दिखाने के लिए संसद टीवी की पूरी टीम को निर्माणाधीन पुल की साइट पर ले गई। मतलब साफ था, सांबरवर्णी की पंचायत अपने कामों को लेकर आत्मविश्वास से लबालब भरी है।
लोकतंत्र से मिली शक्ति का ग्राम पंचायतें कैसे इस्तेमाल कर रही हैं, इसका बेजोड़ उदाहरण पेश किया है सामरवाणी की महिला सरपंच कृतिका ने। हमारे पीछे जो ये ब्रिज बन रहा है, इसका काम 20 वर्षों से लटका पड़ा था क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल पास ही नहीं हो रही थी, लेकिन कृतिका पेशे से सरपंच के अलावा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर भी हैं और इसी का फायदा इन्होंने लिया। इस प्रोजेक्ट की फाइल इन्होंने ऐसी बनाई एक सॉल्यूशन के साथ कि वो तत्काल पास हो गया और पिछले 2 महीने का ये डेवलपमेंट है। देखिए ब्रिज कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। इससे ये साबित होता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो इतना मजबूत और व्यापक है कि ग्राम पंचायतें उसका सही इस्तेमाल करके समाज और गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही हैं। दरअसल ये पुल इस इलाके में रहने वाली 80% आदिवासी आबादी के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आएगा। इस पुल के न होने से साल के 5 महीने यहाँ पानी भर जाता था, जिससे लोगों का आना जाना बंद हो जाता, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और लोगों का रोजगार भी बंद हो जाता। कृतिका ने सरपंच बनने के बाद तय किया कि सबसे पहले इस चुनौती से निपटा जाएगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और लोगों के रोजगार को सुनिश्चित करना पंचायत का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। साथ ही इससे आदिवासी समुदाय को भी मुख्य धारा से जोड़े रखने में मदद मिलेगी और इस काम में सामरवर्णी की सरपंच सफल भी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पे लास्ट 20 साल से ब्रिज की यहाँ मांग आ रही थी गांव वालों की तरफ से। यहाँ पे अब पीछे हमारे देख पा रहे हैं कि ये पानी का स्ट्रीम जा रही है यहाँ पे पीछे से, तो हमें यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कम से कम 5 महीने के लिए ये सारी पीछे की जो इलाका है वो डूबा रहता है, तो इसके वजह से क्रॉसिंग की बहुत दिक्कत हो जाती है। ये पूरा ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे आजू बाजू खेती वगैरह होती है, पीछे आप देख पा रहे हैं घर वगैरह भी हैं हमारे, तो यहाँ पे उनको बहुत दिक्कत थी। फिर 20 साल से ये ब्रिज का प्रपोजल रखने के बावजूद, बार बार रखने के बावजूद भी पास नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ थे। टेक्निकल इश्यूज़ में फर्स्ट थिंग ये आप ऊपर हमारे हाई टेंशन लाइन देख रहे हैं, ये जो सारी हाई टेंशन लाइन है और पानी का बहाव और ये जो सॉइल क्वालिटी है ये पूरी स्टोनी है, सॉइल नहीं है बेसिकली यहाँ पे, तो ये सब चीज़ों के वजह से बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। गांवों के विकास के लिए सरपंच चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है, इसकी एक बानगी मात्र देखी हमने दादरा नगर हवेली की सामरवर्णी पंचायत में। इसीलिए तो यहाँ की सरपंच कहती हैं कि लोकतंत्र से हमें जो शक्ति मिली है उसी की वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। इंडियन डेमोक्रेसी से हमें ये फायदा हुआ है कि हमें आज सरपंच का जैसे कि औधा मिला है, हम सरपंच में पूरी हमारे गाँव का हमें देखरेख करनी होती है। डेमोक्रेसी से हमने पूरे गांव में जागरूकता लाई है, हर लेडीज़ को अपने पैर पे खड़े रहने की शक्ति होनी चाहिए, शक्ति हमें लानी चाहिए, ये बात हमने उनको समझाई है। और एक सरपंच की तरह लोकल गवर्नमेंट बॉडी के तहत हमें इतनी ताकत मिली है कि हम आज जाके कोई भी ऑफिस में बात कर पाए, हमारा PWD विभाग हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत विभाग हो, हमारा कलेक्ट्रेट के विभाग हो, हमें डायरेक्ट हमारे प्रशासन श्री तक से बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे हम एक लेडीज़ होके एक सरपंच होके अपने मन की सारी बातें उन तक रख पाए और वो हमारे फेवर में डिसीजन ले, ये हमें बहुत बड़ा मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। तो हमने देखा कैसे और क्यों आज देश की हर महिला सरपंच कहती है लोकतंत्र मेरी ताकत है। अब हम सिलवासा की सामरवर्णी पंचायत के इसी नहर की एक दूसरी दास्तान देखेंगे। दरअसल साल के कुछ महीने जब ये नहर सूखी रहती है तो कचरे का ढेर भरने वाली जगह साबित हो जाती है। फिर सालों से इस कचरे की सफाई नहीं हो पा रही थी। बरसात में जब इसमें पानी भर जाता है तो यही कचरा उसे एक बज बजाते नाले की शक्ल दे देता है। इससे परेशानी तो पूरे गाँव को हो रही थी, मगर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि मामला 2 प्रदेशों से जुड़ा था और एक संवादहीनता की स्थिति पैदा थी। दरअसल ये नहर गुजरात से आती है और इस पर मालिकाना हक भी गुजरात का ही है, इसीलिए इस नहर में किसी भी काम करने के लिए गुजरात की अनुमति की जरूरत थी। लोग ये भी चाहते थे कि नहर के दोनों ओर सड़क बन जाए ताकि इसके दोनों ओर बसी जनजातीय आबादी को आवागमन की सुविधा मिल सके। ये कैनल गुजरात की प्रॉपर्टी है सर, और हमें कैनल की अंदर की सफाई कराना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 10-12 सालों से कैनल के अंदर की सफाई नहीं हुई है
और कैनल के दोनों साइड में हमें रोड की भी ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल एरिया है पूरा, यहाँ पे बहुत ही बारिश वगैरह भी होती है, उसके वजह से रोड ट्रैवलिंग का बहुत दिक्कत हो जाती है। ये सारे मजदूर जो है वर्ग, उन्हें खेतीबाड़ी में जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है। पर ये जैसे कि मैंने कहा कि ये गुजरात की प्रॉपर्टी है, तो गुजरात की प्रॉपर्टी को हम ऐसे ही छू नहीं सकते हैं। तो हमने हमारे कलेक्टर सर के साथ पहले बात की कि हमें कैनल के दोनों साइड में रोड की ज़रूरत है और हमें कैनल के इंटरनल में भी सफाई की ज़रूरत है, जो कि आज से 10-12 साल पहले हुई थी, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। हमने टेक्निकली सब सर से पूछा, इसकी फ़ाइल वगैरह हमने प्रिपेयर की और हमारे इंजीनियर्स टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया। फिर हमने कलेक्टर सर से बात की, हमारे CO सर से बात की और हमें इन्होंने रोड कैनल के दोनों साइड पे रोड की परमिशन लगभग दे दी है और कैनल के इंटरनल की सफाई तो आप देख पा रहे हो चल रही है। देश की सरपंचें ये सब काम इतनी तेज गति से कर पा रही हैं, इसमें संसद टीवी की भूमिका भी अहम है। दरअसल संसद टीवी पर जब से पंचायतों के काम से संबंधित दो कार्यक्रम लोकतंत्र मेरी ताकत और लोकतंत्र भव्य विशाल अद्वितीय शुरू हुए हैं, तब से पंचायतों के बीच विकास को लेकर आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। पंचायत सदस्य दूसरे पंचायतों के अच्छे कामों को संसद टीवी पर देखते हैं और उसे अपनी पंचायतों में भी लागू करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मैंने पहले तो अभी गूगल का टाइम चल रहा है सब जगह, पहले मैंने गूगल किया, वीडियोस वगैरह देखी बाकी सारी पंचायत वगैरह की, आपके संसद टीवी चैनल को हमने देखा, हमें वहाँ से जानकारी मिली और समझ में आया कि कैसे पंचायतों में काम चल रहा है दूसरी पंचायत में। हमने ये सारी चीज़ें देख के, आपका चैनल वगैरह देख के हमने प्रेरणा ली कि कैसे हमें भी काम करना चाहिए, हमें भी मोटिवेशन आया और हमने ये सारे प्लान्स बनाए, हमने हमारे CO सर के पास रखे, कलेक्टर सर के पास रखे, हमारे PWD के सारे सर वगैरह हैं उनके पास रखे और हमें धीरे धीरे इसके बारे में समझ आने लगी और अप्रूवल भी मिलते गए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। दरअसल दादरा नगर हवेली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये तीन तरफ से गुजरात राज्य से घिरा है। किसी भी तरफ चले जाएं आप गुजरात की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे या फिर अरब सागर की गहराइयों में। आइए एक नजर डालते हैं संघ प्रदेश पर। पहले दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दो अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे। साल 2020 में इन दोनों का एक में विलय हुआ और मुख्यालय बना दमन। दमन भारत के पश्चिमी तट पर बसी एक खूबसूरत जगह है जिसके तीन ओर गुजरात राज्य की सीमाएं हैं, तो एक तरफ अरब सागर की लहरें इसकी सोंधी मिट्टी के साथ अटखेलियां करती हैं। राज्य छोटा है, गांवों की संख्या और आबादी भी कम है, लेकिन बड़ा है तो यहां गांवों में हो रहा विकास। पूरे संघ प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 38 है, जिसमें सबसे ज्यादा 20 ग्राम पंचायतें दादरा नगर हवेली में हैं। दीव में 4 ग्राम पंचायतें हैं और दमन में ग्राम पंचायतों की संख्या 14 है। शहर की चौहद्दी छोड़ने के बाद जब हम गांव में प्रवेश करते हैं तो भी ये एहसास नहीं होता कि ये शहर से कुछ अलग है। कारण है गांव में हुआ चहुमुखी विकास और ऐसे ही विकास कामों की साझेदार हैं कृतिका बारात जैसी महिला सरपंच। सिलवासा का ये इलाका तो जनजातीय आबादी वाला है, यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ की पंचायत रोजगार देने में महिलाओं को प्राथमिकता देती है। ताजा उदाहरण है जब पंचायत ने गांव और नहर की सफाई के काम में 50 से अधिक महिलाओं को लगाया। मेरे लिए सबसे पहले बीइंग लेडी, बीइंग वुमेन, सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट आता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ एक और चीज़ होती है कि बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है। तो मेरा फोकस पहले तो लेडीज़ लोगों के लिए है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ पे कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, कुछ ने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं की पर उन्हें भी काम की तलाश होती है। तो हमारे यहाँ हमारी पंचायत में जब भी हम साफ़ सफाई का कार्य या कोई भी कार्य, जो ये लोग मोस्टली खेतीबाड़ी वर्ग से है तो ये सब काम वो कर पाते, तो हमने 50 लेडीज़ अभी अभी ली है जो हमारे गांव की पूरी सफाई वगैरह कर पाए। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ पंचायत ये भी सुनिश्चित कर रही है कि बच्चों के शिक्षा के काम में तेजी आए। आज के शिक्षित बच्चे ही कल देश के भविष्य होंगे, इसी सूत्र वाक्य को सामरवर्णी पंचायत ने अपना आदर्श बनाया है। सामरवर्णी गांव में कच्चे मकान टूटे और उनकी जगह पक्के मकान बने, पंचायत इस दिशा में जोर शोर से लगी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से पंचायत ने गाँव को पूरा फायदा पहुंचाया है। कम आबादी वाली इस पंचायत में फिलहाल 30 से अधिक लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। लोगों को पक्के मकान मिलना उनकी सिर्फ एक समस्या का समाधान नहीं है,
पक्के मकान मिलने से लोगों को जहां कच्चे और बरसात के दिनों में टपकती छतों से छुटकारा मिलती है, वहीं उन्हें खुले शौच से भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि पक्के मकानों में घर के अंदर ही शौच और स्नानागार दोनों ही होते हैं। फिर पक्के मकानों में बिजली की वायरिंग भी समुचित और सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। नतीजा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है। सावरवर्णी गांव के श्री गणेश भाई नावजी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक लाभार्थी ही नहीं है, इनकी तरह यहां 32 लाभार्थी और हैं। और ग्राम पंचायत ने लोकतंत्र से मिली ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ये सुनिश्चित करने का काम किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभान्वित बने। लेकिन सावरवर्णी में कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पंचायत और तेज गति से काम करे, उसे और ताकत मिले। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है, आलोचना और शिकायतों को भी उचित स्थान दिया जाता है, और यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यही वजह है कि गांव के निवासी पद्या भाई अपने असंतोष को खुलकर व्यक्त कर पा रहे हैं। पहली बात यह है सर कि यहाँ पे मैडम हमारे अच्छे है, काम करने वाले है, पीछे करने वाले नहीं है, लेकिन वो लोग के पास कुछ पावर ही नहीं है। हम लोग तो यही बोलेंगे सर कि हमारा जो सरपंच है उसको पावर देना चाहिए ताकि वो काम कर सके। सावरवर्णी गांव में आदिवासियों की दो ही मूलभूत समस्याएं हैं, एक तो नहर पर पुल और सड़क का होना और दूसरी सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की कमी कुछ ऐसी है कि जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, फिर फसलें होना और खेती तो दूर, पीने का पानी मिलना भी एक चुनौती साबित होती है। हालांकि पंचायत ने अपनी कोशिशों से पीने के पानी की समस्या दूर की है, पुल का काम जारी है और नहर किनारे सड़क बनने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सावरवर्णी ग्राम पंचायत की आबादी का आधा से अधिक हिस्सा आदिवासी समुदाय का है और इन आदिवासी समुदाय की परंपराओं को बचाने के लिए, इनकी संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ की ग्राम पंचायत पूरे दिल से काम कर रही है। यहाँ कैनाल के किनारे इनके लिए खास तौर पर सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि मुख्य बाजार और शहरों से इनकी कनेक्टिविटी बनी रहे। साथ ही इनके घरों में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है ताकि ये आधुनिक उपकरण इस्तेमाल कर सके और समाज की मुख्य धारा में शामिल रह सके। और यही तो है हमारे लोकतंत्र की ताकत, जिससे देश की पंचायतें हो रही हैं और प्रभावशाली। इस एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते देखते हैं आखिर भारत का लोकतंत्र कैसे और क्यों है इतना महान। दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र, जी हां, यही पहचान है भारत की, उस भारत की जिसने कई काल देखे, कई खंड देखे, चुनौतियों से सामना हुआ, मगर लोकतंत्र की जड़ें हर गुजरते वक्त के साथ और गहराती गईं, मजबूत होती गईं। दुनिया में कुल 193 देश हैं, इनमें से लगभग 110 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं, और इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भी भारत का स्थान एक तरह से सर्वोपरि है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और परंपराएं कितनी विशाल और भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहां लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्यों और लगभग 4,500 विधायकों के लिए चुनाव होते हैं, 3.25 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में वोटरों की कुल संख्या 91 करोड़ से भी ज्यादा है। लोकतंत्र की जब भी बात होती है तो 13वीं शताब्दी के मैग्ना कार्टा को लोग लोकतंत्र की बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से बहुत पहले 10वीं शताब्दी में भी भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु में चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर उथिरमेरूर नाम के गाँव में मिलता है। 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के वक्त उथिरमेरूर गांव में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है, यानी कि भारत में डेमोक्रेसी
1000 साल पुरानी है। आज भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 3.25 लाख है। 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं। लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर ग्राम पंचायतें न सिर्फ कठिन से कठिन फैसले ले रही हैं, बल्कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में भी जोड़ रही हैं। इतने बड़े देश का विशाल लोकतंत्र दुनिया में भारत को आगे रखने में, दुनिया को दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत जितना विशाल देश है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत हमारा लोकतांत्रिक ढांचा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। कैसे लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर पंचायती राज सिस्टम के तहत गांव अपने लिए विकास की योजनाएं बना रहे हैं और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी फैसले खुद ही कर रहे हैं और बदलाव की एक नई कहानी लिख रहे हैं।